सुप्रभात क्लास फिफ्थ। आज मैं आपके हिंदी प्रथम पाठ्य पुस्तक अनुभूज का पहला अध्याय पहला पाठ बसंती हवा पढ़ाने जा रही हूँ। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता है। इसमें बसंत हवा का वर्णन किया गया है। बसंती हवा का परिचय देते हुए कवि कह रहे हैं, बसंत के आगमन पर मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि सभी प्रसन्नता से झूम उठते हैं। ऐसे में हवा भी मस्ती में आ गई है। कवि ने हवा की मस्ती, उसकी बेफिक्री, शरारतीपन और उसकी निडरता का वर्णन किया है। जरा आप सोचिए कि मस्ती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमें सावधान भी रहना चाहिए। जीवन का मूल यह है कि हमें हर मौसम का पूरा आनंद उठाना चाहिए। बसंती हवा पढ़ने से पहले आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कल्पना की बहुत ही आवश्यकता है। कल्पना नहीं है माइंड में तो आप हिंदी को समझ नहीं सकते। बसंती हवा समझना है तो आप अपने विचार को, अपने सोच को वहाँ ले जाइए जब ये बसंत ऋतु में बसंती हवा बहती है। उस मौसम को आप सोचिए तब आप इस हवा की मस्ती का एहसास कर पाएंगे, हवा को समझ पाएंगे। हवा को लिखते हुए उसके बारे में कई बता रहे हैं कि हवा, बसंती हवा अपना परिचय देते हुए कह रही है कि हवा हो हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। अनोखी हवा, बसंती हवा कह रही है कि मैं एक अनोखी हवा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं कहती हूँ मैं बड़ी बावली हूँ और बड़ी मस्तमौली भी हूँ। कुछ क्या होगा उनके कार्य से, किसको क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ी ही निडर हूँ और बड़ी ही निडर हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, जिधर उस तरफ उस दिशा में बहना शुरू कर देती हूँ। आप देखते होंगे हवा कभी कभी बसंत ऋतु में मुसाफिर न घर बार मेरा, मेरा घर बार मीन दुश्मन उधर घूमती हूँ, इसलिए मैं मस्त हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, उधर बहती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, रेत में बालुओं में निर्जल में जहाँ कोई नहीं है, हरे खेत पोखर हरे भरे खेतों में ही बहती हूँ, पोखरे के ऊपर भी चलती हूँ। तक गेहूँ में बाल लग जाता है और सरसों के में फूल आ जाते हैं, सब झूलने लगते हैं और सबको झुमाती हुई चलती है। कभी कभी सारे खेत क्या होते हैं, लौट जाते हैं। क्या करती हूँ मैं, चढ़ी पेड़ महुआ, कभी महुए के पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, थपा थप मचाया उसके सारे पत्ते क्या किए, आपस में इतना तेज बहा कि पत्तों से आवाज़ आने लगी। गिरी धम्म से फिर क्या की, हवा वहाँ से उतर गई, चढ़ी आमों पर और आम के ऊपर चढ़ गई, उसे भी झकोरा, आम के पेड़ को भी झकोरा, किया कान गेहूँ में लहर खूब मारी। हरे खेत में पहुँच कर क्या होता है बसंती हवा, गेहूँ को खेत में खूब लहर मारती है। अगर जिस दिशा के चलती हवा का इतना दमखम इतना पावर रहता है कि जिस जब उसका बादल छा जाता है तभी हवा बहना शुरू कर देती है, नचाने का काम करते हैं। गिरी पर न कल से, लेकिन जो उसका बीज था वो नहीं गिरा, इसी हार को पाई जब बसंती हवा हूँ। मैं हवा हूँ, मैं कौन हूँ, हवा हूँ और हवाओं में मैं कौन हूँ, बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहर ही लजाई, उसको देखते ही अरहर का जो पौधा होता है उसमें पकने लगता है, उसे देखकर कभी कहता है कि अरहर ही लजा गई, यानी उसे भी न छोड़ा और उसको ही मैंने नहीं छोड़ा था, उसी पर धकेला, पथिक आ रहा था, राही आ रहा था, उसे भी धकेला। आप देखते होंगे हवा कभी कभी जब तेज चलती है तो हमको चलने के लिए ज़्यादा पावर नहीं लगाना पड़ता है, तेज से चलने लगते हैं। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, अब मैं जब जोर से चली तो चारों दिशाओं से आवाज़ आने लगी, हंसे लहलहाते हरे खेत मेरे, और जब मैं चली तो मेरे साथ, जब मैं हंसी तो सारे खेत मेरे साथ लहलहाने लगे, हंसने लगे। हंसी चमचमाई भरी धूप प्यारी, और उस समय का धूप भी, बसंती हवा का धूप भी सबको अच्छा लगता है। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, और बसंती हवा में ये सारी सृष्टि सारा संसार प्रसन्न हो गया। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, कभी हवा का वर्णन करते हुए कहा है कि बसंती हवा अपना परिचय देते हुए कह रही है कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तो बहुत ही मस्तमौली हूँ, बहुत ही अनोखी हवा हूँ। धन्यवाद। क्लास फिफ्थ इसको पढ़ने के बाद आगे का काम आपको आगे के वीडियो में मिलेगा।